दिल्ली के प्रेस क्लब में फोरो इनोवेशन ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर भविष्य के लिए फिट साथ मिलकर बेहतर निर्माण थीम के तहत पारिस्थितिक शांति के लिए अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। संगठन ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि धरती माता के साथ और पारिस्थितिक शांति के बिना कोई भविष्य नहीं है। संगठन ने दिल्ली की AQI से संबंधित समस्याओं के लिए कुछ इनोवेटिव समाधान और श्वेत पत्र भी साझा किए। संगठन शहीद नायकों को सम्मानित करने तथा महात्मा गांधी के शांति मूल्यों और एक स्वस्थ समाज बनाने में उनकी भूमिका को याद करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाया। संस्था की संस्थापक रचना शर्मा, जो हार्वर्ड एलुमनी एंटरप्रेन्योर की संस्थापक सदस्य भी रही है और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की पूर्व छात्रा है, जिसके समक्ष नेतृत्व में प्रेस वार्ता ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि एक ऐसे संस्थान की सख्त जरूरत है जो अपने दृष्टिकोण में भविष्यवादी हो और स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रक्रियाओं और लक्ष्यों के साथ जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को संभव बनाने पर केंद्रित हो। संस्थान को सशक्त बनाने के लिए एक अनुरोध सरकार से भी किया गया, जिसका एक प्रोटोटाइप वेन डायग्राम और पिस की मदद से दिखाया गया है, जिसके अनुसार साक्षात दर्शन की संभावनाएं जो एकता में जलवायु संबंधी मुद्दों में मदद कर सकती है, कोई अन्य महाशक्ति हमारी मदद नहीं कर सकती। संगठन की ओर से कहा गया कि हमारी शक्ति हमारे भीतर है, यह महात्मा गांधी की शिक्षाओं में है जिसे हम भूल गए हैं। भारत के नागरिकों को जिम्मेदारी लेनी होगी, युवाओं को जिम्मेदारी देनी होगी। फोरो इनोवेशन के संस्थापक के रूप में रचना शर्मा ने उल्लेख किया कि जब मैं शांति के बारे में बात करती हूँ तो मैं विशेष रूप से सकारात्मक शांति के बारे में बात करती हूँ, जिसमें ऐसे दृष्टिकोण, संस्थाएं और संरचनाएं हैं जो शांतिपूर्ण समाजों का निर्माण और उन्हें बनाए रखती है। मेरी समाज से और इस देश से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने देश से, आप धरती माँ से प्यार कीजिए, और जब आप करेंगे आपकी भावना होगी सच में जैसे हमारी भावना होती है अपने पेरेंट्स के लिए, तो आपको उनका दुख समझ में आएगा, तो चाहे वो बढ़ता हुआ तापमान है, चाहे वो पिघलती हमारी ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो वाटर सिस्टम्स में हमारा वाटर मिनरल्स ख़त्म होना है, ये सब क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जब भी हम पीस की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल पीस जो है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। और मैं आप लोगों के ज़रिए ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि एक इंस्टीट्यूशन, एक रिसर्च सेंटर बने गवर्नमेंट का, जिसमें इसको लेके खास खास तौर पे पूरा ध्यान इसी पे हो। अभी हमारा ध्यान बाइफरकेटेड है, अलग अलग लोगों से है, तो हमारी नेशनल कमिटीज़ हैं, कई लोग छोटे मोटे प्रोजेक्ट चलाते हैं, बट एक मिनिस्ट्री हो इसकी या एक कोई इंस्टीट्यूशन हो अलग से रिसर्च का, जैसे हम हैं, अगर वो हमारी हेल्प करें तो भी हम ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर बना के उनको बोलेंगे कि ये लीजिए आप कीजिए, हम किसी के ऊपर वी आर नॉट पासिंग द बक, राइट। वॉट वी आर सेइंग इज वी आर हियर, वी नीड योर सपोर्ट, हमको स्केल करना है, हमें सशक्त कीजिए, चाहे वो सशक्तिकरण आपके हमारे किसी एडवाइजरी लेवल से आता है, चाहे वो सशक्तिकरण हमारा आपसे एक एक्सटर्नल एजेंसी की तरह आता है, बट हम आपको एक्शन पॉइंट पे ग्राउंड में रिजल्ट आके देंगे, और वही सब हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे वाइट पेपर्स हैं जो हमने आप लोगों के साथ आज शेयर किए हैं। आप प्लीज़ उनको जनता तक पहुंचाइए, उन्हें देखो जनता को भी पता होना चाहिए, मीडिया को भी पता होना चाहिए, तब जाके जैसे उन्होंने बोला कि जब बच्चे रोते हैं तो माँ बाप सुनते हैं ना, ऐसी बात है कि हम रो रहे हैं और हम रोते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट हमारी बात ना सुने। इन बेसन न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।